हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में जो आप एक सीट का जो नाम है, जिस सीट में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस सीट का नाम को किस तरीके से हम एक्सेल में लेके आएंगे, एक्सेल के सेल में लेके आएंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, बात छोटी सी है पर उसका ही फॉर्मूला है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करते हैं, कैसे किया जाता है, उसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। कौन कौन फॉर्मूले लगेंगे उनको एक एक करके मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। मेरी सीट 5 नगर है, मैं सीट 5 में काम कर रहा हूँ, तो ये सीट 5 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ से मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, अब मैं नेक्स्ट वाले में डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया है, सिंपली कॉपी किया इसको, मैंने ऐसा का ऐसा ही रख दिया। देखिए यहाँ से गया, अब मैं कहीं पे भी इसको फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूँ। तो सीट 6 लिखा हुआ, सीट 6 में आया, तो उसी तरीके से जिस भी सीट में है, देखिए फ्रेंड, उसी सीट का देखिए नाम दिखा रहा है। तो ये किस तरीके से हुआ, कैसे संभव हुआ, मैं उसके बारे में आपको आज पूरी तरह से बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कुछ 1, 2, 3 फॉर्मूले लगे, एक रिपीटेड है। तो किस तरीके से इन तीन फॉर्मूला का हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेल समझाता हूँ, सेल फॉर्मूला क्या कार्य करता है। देखिए सेल फॉर्मूला को कार्य करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम मैंने लिखा। अब कोई भी आप इसमें से कोई भी सेल रेफरेंस दे सकती है, ये नहीं है कि A1 देना है, कुछ भी दे सकती है। मैं A10 दे देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये दे दिया, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये बताएगा ये किस लोकेशन पर ये हमारी फाइल है और कौन सी सीट पे हम कार्य कर रहे हैं, उसका पूरा बता देगा। देखिए ये डी फोल्डर में है मेरी, ठीक है, और हनी ईशान नाम के एक फोल्डर है, उसमें ये उस फोल्डर के अंदर ये किस फाइल है, हाईलाइट फंक्शन। ठीक है, फाइल का नाम क्या है, हाईलाइट फंक्शन, उसमें सीट 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या करा, फाइल नेम का ये इस तरीके से इसने काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था साइल सेल वाला, तो ये क्या करता है, सेल वो बताता है किधर वो स्थित है, उस अपनी जगह को, प्रेजेंट को वो बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने कार्य किया। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, इसमें से आप जो देख रहे हैं हमें सीट 4 चाहिए था। ठीक है, तो सीट 4 को चाहने के निकालने के लिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें से सिर्फ इसी शब्द को हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते हम ट्रिम कर दें इसके यहाँ से इस तरीके से, तो उसके लिए हमें शब्द पता होना चाहिए, कितने शब्द, तो वो काउंट करने पड़ेंगे। तो उस काउंट करने के लिए सिर्फ सीधे फिर फाइंड करना, इससे बेटर है हम क्या करें फ्रेंड्स, इसको फाइंड करें। किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए इसमें एक चीज देख रहे हैं आप जो हमेशा देखेंगे, ये क्या रहने वाला है, कैसे भी कुछ भी रहेगा, फाइल के मुझे फाइल नेम के साथ ये कोष्टक लास्ट में अंत रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, आपकी सीट का नाम आएगा, हमेशा ये इसी तरीके से रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वाली जो कोष्टक देख रहे, ये क्लोज हो रहा है, उस कोष्टक को हम पकड़ेंगे, ब्रैकेट को पकड़ेंगे, उसके बाद वाले फर्स्ट लेटर से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं, इसलिए हमें फाइंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखते फ्रेंड्स फाइंड फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। देखिए फ्रेंड्स मैं फाइंड फॉर्मूला बताता हूँ, फाइंड फॉर्मूला, ठीक है, फाइंड फॉर्मूला को समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइंड फॉर्मूला को हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर फाइंड फॉर्मूला, मैंने फाइंड फॉर्मूला लगाया इस तरीके से। अब देखिए ये किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है, वो चीज समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नाउन, अब देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड टेक्स्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, उसको मैं क्या करूंगा, ठीक है, वहां पे लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड वाई। ठीक है, अब ये वाई को बताएगा किधर है, अब मैंने इसको ये वाली सेल वैल्यू दे दी। ठीक है, अब मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, चौथे नंबर पे ये है। ठीक है, तो इसने बताया ये क्या, मैं बता रहा है फाइंड, हमें ये बता रहा है कि ये शब्द है, ये वर्ड लेटर दिया था मैंने, चौथे नंबर पर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको इस जगह क्या लिख देता हूँ, अजय देवगन लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो देखिए इसने तब ये बताया चौथे नंबर पर, सेम उसी तरीके से काम, चाहे आपको इस तरीके से दे चाहे इस तरीके से दे, ये इसी तरीके से कार्य करेगा।
ठीक है। तो अब मैं यहां पर इसको लेटर में चेंज कर देता हूं, अब मैं फ्रेंड देता हूं ई, जिसने बताया सातवें नंबर पर है, ठीक है। देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सातवां, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया फाइंड फंक्शन इस तरीके से कार्य करता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगे थे वो मैं आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स इसमें हम देख रहे हैं इसमें आपका एक मिड फॉर्मूला और लग रहा है, ये पहला वाला फॉर्मूला है, तो उसमें से ये क्या काम करता है वो हम जान लेते हैं, जिससे कि हमें और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने मिड फॉर्मूला लगाया, देखिए इस D9 पर लगाया है, ठीक है। तो मिड फॉर्मूला हमारा क्या कार्य करता है, इस वाले को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये मैंने टेक्स्ट दे दिए, इस वाले टेक्स्ट में से क्या करेगा हमें वैल्यू को निकाल के दे देगा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेगा स्टार्ट नंबर, आपको कहाँ से वैल्यू को चाहिए, ठीक है, दो मैंने लिखा, अब मुझे चाहिए भाई एक दो, दो नंबर से यानी जे जे से चार लेटर चाहिए, जे ए वाई, तो ये क्या करेगा एक स्पेस भी आ रहा है तो चार कर देगा, ठीक है। तो मैं जे को प्रेजेंट कर देगा, देखिए लिखा हुआ आ रहा है जे, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इससे आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से D9 लिखा, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब D9 की जगह लिख देता हूँ छठे नंबर से, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है DVG, ठीक है। तो उसने क्या छठे नंबर एक दो तीन चार पांच छठा, छठा नंबर डी से है, तो इस तरीके से इसने इसको कर दिया, पांच को मैं छह छह कर देता हूं, तो देखिए तो उसने क्या करा देवगन पूरा टाइटल हमारे सामने ला दिया। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर D9 लिखा हुआ, D9 की आप ये क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सीधे उस तक में लिख कर वो वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अजय गुप्ता कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से क्या करे गुप्ता, इसने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा मिड फंक्शन क्या करता है, अपना जो हमने लेटर दिया है उसके छठे नंबर से एक दो तीन चार पांच छठा छठे नंबर से जितने भी उसके लेटर होंगे, ठीक है, ये बताता है, ये छठा नंबर बताता है आपको कौन सी पोजीशन वो वैल्यू चाहिए, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ तीन, ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये क्या करता है छठे नंबर वाली पोजीशन से जाएगा और तीन वर्ड को हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा, ये लास्ट वाला क्या करेगा तीन आपको कितने करेक्टर उस वर्ड में से चाहिए, ठीक है। तो तीन इस तरीके से काम करता है मिड। तो हमें क्या करना था फ्रेंड, इसलिए हमने मिड क्या क्यों लगाया था इसमें, यहाँ पे देखेंगे तो ये मिड फेल के आपकी ये पूरी सेल में से आप देख रहे थे, ठीक है, ये सेल की थी, ठीक है, इसको बोल्ड करता हूं। तो ये क्या करेगा, अभी हमने मिड में से क्या करेगा, ये लास्ट मिड के हम फंक्शन में जाएं, तो मुझे आपने इसमें इस तरीके से दिया होगा कि हमें सिर्फ ये वैल्यू को निकाल के दे दे, ठीक है। तो वो इसी तरीके से कार्य करेगा फ्रेंड्स, है ना। मिड में आप जो देखेंगे वो हमने इसमें यही तो दिया था, वो लास्ट में आपको क्या आएगा, आपको यहाँ पर पूरी इस तरीके फाइल नेम आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोल देगा, अब क्या करेगा, आप लास्ट में जाइए, है ना, क्योंकि फाइंड हमारा पोजीशन हमने पता लगा लिया, उसको प्लस एक उस ये पता लगाने के बाद हम उसको इस वाली पोजीशन पहुंचा देंगे, ठीक है। अब क्या उतने जितने भी वर्ड है उसके सीट का नाम हो वो हमारे सामने दे दे, ठीक है। इसी तरह से वो कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब उस पूरे फॉर्मूले को हम समझने की कोशिश, सेल में क्या होगा, देखिए इस तरीके से कुछ ये हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा, देखिए सेल अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमारा रिजल्ट सामने आएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखने पर, क्योंकि इसको मैं समझाता हूँ, जो सेल अगर मैंने लिखा फाइल नेम, तो फाइल नेम को ये आएगा जिस जहां पर ये A10 है, ठीक है, जहां स्टोर है उस फाइल की लोकेशन, ठीक है, जिस जिस ड्राइव में है, अगर सी ड्राइव में डी ड्राइव में तो जिस जगह है उस फाइल का अगर फोल्डर में तो फोल्डर, अगर फोल्डर में नहीं है तो फिर क्या करेगा, सीधे इस फाइल का नाम दे देगा, उसका यहाँ पर उसका आप देखेंगे एक्सटेंशन नेम होगा यहाँ पर, और जिस फाइल की जिस आप सीट पर कार्य कर रहे हैं उस सीट का नाम दे देगा, ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम दे देगा फाइल नेम, ठीक है। तो अब उसके बाद इस सेल से हमारा फाइल नेम पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये पता करना है कि भाई ये पता करके बताइए कि ये सीट कौन सी है, सीट का हमें सीट का नाम पता करना है। तो सीट का नाम पता करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देख लिया फाइंड फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब मैं सी पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिससे आपको समझ में आते जाए, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड मैंने लगाया, फाइंड में मैंने क्या लिखा कोष्टक, वो भी क्लोज वाला, क्लोज लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है मुझे, आप देखेंगे यहाँ पे सेल दिया, ठीक है। अभी
मैं आपके सामने सेल ना देखे एक बार काम करता हूं, अब ये सेल और ये एक ही बात है, ठीक है, इसमें इसमें पता करना है पूरे, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा एक काम करता हूं फ्रेंड्स, रुकिए, देखिए फ्रेंड्स मैं किस तरीके से यहां पे आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। इक्वल टू फाइंड लगाया मैंने, ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया राइटिंग में, हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये वाला लास्ट वाला कोष्टक है हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है, फाइल के नेम के साथ ही होगा और जिस सीट में काम कर रहे हैं उसको, उसके बाद ही हमारी सीट होगी, ठीक है, तो ये एक कंपलसरी, तो इसलिए इस लॉजिक को पकड़ते हुए हमने क्या करा, इस वाले कोष्टक को पकड़ा, यहाँ पे क्या करना है, अब वो जगह देनी है किस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड टेक्स्ट, आप क्या टेक्स्ट फाइंड करना चाहते मैंने बता दिया, ये वाला कोष्टक फाइंड करना है, अब किधर, इस वाले टेक्स्ट को बात करने बंद करने का हम 40, तो देखिए तो इसको पता चल गया 40 नंबर पर है, ठीक है, तो इसने क्या किया होगा यहाँ पर क्या हुआ 40 नंबर, ठीक है, तो ये सेल नेम ने सेल क्या किया होगा, ये पूरा नाम आ गया होगा और उसने इस वाले इसके अंदर ये चीज इस तरीके से आ गई होगी, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं सेल को ओपन करने वाले किस तरीके से इधर आ गया होगा, फिर उसने इसके अंदर गया होगा, ठीक है, एक्सप्लोरर लेटर के अंदर यहाँ फाइंड किया होगा, ठीक है, उसे पता 40, अब यहाँ पर मैंने प्लस 1 क्यों लिखा और 32 क्यों लिखा वो समझा देता हूँ, तो उसने क्या देखो पूरा ये सब सॉल्व होने के बाद, ये देखिए एक ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट 40 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा फाइंड होने का ये क्या होगा 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 होने का 41 नंबर पर क्या होगा ये वाला वर्ड होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा फ्रेंड इस वाले, अब देखिए सेल नंबर फाइंड नंबर क्या होगा इस वाले पर, ठीक है, अब मिड में हमने क्या दे रखा था, मिड में समझा देता हूँ आपको, तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ तरीके से मिड का फॉर्मूला लिखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे जाए, तो अभी मैं बाद में करता हूँ उसको बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसी तरीके से क्या हुआ मिड में ये पूरा इस तरीके से नाम दिखाई दे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्योंकि सेल क्या होगा यहाँ ये वाला पूरा सॉल्व हो चुका है अपना, ठीक है, क्योंकि उसमें 41 आ चुका है, 41 क्या है वो इस वाले की पोजीशन है, एस वाले की पोजीशन उसने बता दी है, ठीक है, अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद वो 41 यू करके लिखा हुआ होगा, अब हमें बताना है ये 32 क्या है, मैंने मान लीजिए मैंने लिख दिया 32 नंबर का, 32 यहाँ पे हम क्या दे रहे थे फ्रेंड्स कितने हमें नंबर करेक्टर चाहिए, उस सीट का नाम क्या है यहाँ पे कितने लेटर हमें चाहिए उसके बाद के, तो वो इस तरीके से मैंने दे दिया 32 ले लिया अपन, या 20 भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है इतना बड़ा हो, ठीक है 20 तक ले दिया, ये क्या बताएगा उस फाइल का नाम, वो एम एज्यूम करके चलते हैं भैया 20, 25, 30 इस फाइल का नाम होगा, ठीक है, तो वो उस वर्ड को जितने भी उसके अंदर वर्ड होंगे 20 तक, अगर 20 तक भी नहीं है तो 5-6 भी है तो उतने ही वो रख देगा, ठीक है, तो इस तरीके से सीट 4 हमारे सामने आ गया, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझने अच्छे से और आ जाए, ठीक है, तो इमीडिएटली इस तरीके से काम किया, इस तरीके से सेल यहाँ पर खुल गया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये पूरा सेल इस तरीके से सॉल्व होने के बाद ये आया, यहाँ पर हमारा क्या है हमने एक टेक्स्ट दिया जिसमें हमें वैल्यू को हमें देखना है कि भाई हमें निकालनी है ये इस वाले करेक्टर को इस वाली पोजीशन पर जाए 41वीं पोजीशन पर जाए, उसके बाद ठीक है 41 पोजीशन पर जाने के बाद जितने भी उसके अंदर लेटर है उसके बाद के, ठीक है वो हमें दे दे 20 लेटर हमें दे दे, ठीक है यही करते थे अपन, तो इस तरीके से इसने कार्य किया, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस तरीके से हम किसी भी सेल का नाम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मैं समझाना चाहता था आपको, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो ठीक है फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको करते हैं, ये फ्रेंड्स ये हमारा ये आपको मैंने बताया ये हमारे टेम्पलेट्स बनाते हैं जैसे अटेंडेंस के लिए और किसी भी तरीके के आपको टेम्पलेट्स होते हैं जो बनाने के, उनमें इन सब चीजों को यूज करेंगे, तो ऐसे में बहुत से छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी टेम्पलेट्स बनाने में बहुत ईजी रहेंगे, ठीक है, जैसे अटेंडेंस स्कूल अटेंडेंस स्कूल की मार्कशीट वगैरह हो, किसी भी सेल्स की रिपोर्ट हो गई हो, इन सब के हम टेम्पलेट्स बनाते हो, तो उन सब में आप इनका अच्छे से यूज कर सकते हैं, और मैं धीरे धीरे आपको मैं इसी टाइप के छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जैसे कि आप एक टेम्पलेट्स बना रहे हो तो उससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज वाइज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, कीप सपोर्ट माई